Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Main aaj sabse pehle sare apne karkunon ka shukriya ada karna chahta hu jo 22 saal pehle jo mere sath shuru hue the is tehreek mein is jihad mein. Ye asal mein do qisam ki siyasat hai, ek insaan karta hai ek career banane ke liye aur dusra jo ke mere role model qaid azam Muhammad Ali Jinnah wo ek mission ke liye politics karte hain jo ke hamare nabi sallallahu alaihi wasallam ne madina ki riyasat mein aake ek mission ke taur pe ek duniya ki tareekh mein inqilab leke aaye to main kabhi bhi isko ek career nahi samajhta tha ek profession nahi samajhta tha main aaya tha is mulk mein आज से 22 साल पहले पॉलिटिक्स करने और मेरा मकसद ये था कि हम अपने मुल्क को वो मुल्क बनाएं जो इसको बनना चाहिए था यानी कि अल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी कि एक इस्लामी फलाई रियासत जिधर हमने एक दुनिया में मिसाल देनी थी कि हकीकी इस्लाम क्या है वो मदीना की रियासत में क्या चीज़ें थी जिसने एक दुनिया में इतना बड़ा एक इनकलाब लेके आई एक कौम जो कुछ भी नहीं थी थोड़े से कबीले थे उन्होंने दुनिया की इमामत की तो मैं आज उन साथियों को याद कर रहा हूँ ख़ास तौर पे दो जो मेरे साथ शुरू हुए थे एक एहसन रशीद जिन्होंने आज से 22 साल पहले मेरे साथ शुरू हुए थे और वो कैंसर की जंग हार गए और वो आज हमारे साथ नहीं हैं और दूसरी सलोनी बुखारी वो भी शुरू में हमारे साथ चली थी इसी मिशन पर और वो आज हमारे साथ नहीं है तो मैं उनको ख़ास याद कर रहा हूँ लेकिन मैं उन सारे कारकुनों को आज सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ जो बड़े मुश्किल वक्त पे मेरे साथ चले जिनका घरों में मजाक उड़ा करता था लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि किस टांगे पार्टी के साथ आप लगे हुए हैं तो मैं आज सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके बगैर मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था अच्छा मैं सबसे पहले आपके सामने अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ कि आज हम किधर हैं फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम आज किधर हैं किन मसले मसाइल पे हैं हमारे ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा इनका हल क्या है तो सबसे पहले ये समझ जाएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपया था यानी 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब और 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब यानी इस इतना ज्यादा कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है ये आप ये सोच लें कि हमारी सारी तारीख का जो कर्जा था और जो पिछले 10 साल में कर्जा चढ़ा है ये भी एक ऐसी चीज है कि इंशाल्लाह आपके सामने हम लेके आएंगे कि ये किधर गया पैसा ये अगर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा तो हमने क्या किया इस पैसे से तो इंशाल्लाह ये तो बाद की बात है जो आपको दूसरी चीज समझनी चाहिए वो ये कि आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं यानी कर्जे उतारने के लिए नहीं कर्जों के ऊपर सूद के ऊपर आज हम कर्जे ले रहे हैं जो आखिरी साल था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का उनका जो सालाना बैरून मुल्क का कर्जा था वो था 2 अरब डॉलर ये पिछले एक साल में हर महीने हमें 2 अरब डॉलर का कर्जा लेना पड़ रहा है जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गई 2013 में तो 60 अरब डॉलर हमारा बैरूनी मुल्क का कर्जा था आज 95 अरब डॉलर है और ये है असल मुल्क का मसला कि हमारे बैरून मुल्क के कर्जे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज
आज हमारा जो जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो सारा है ही इस वजह से कि हमारे बैरून मुल्क के कर्जे इतनी तेजी से बढ़े और उधर पहुंच गए हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा अभी कि ये हमने ये कैसे हल करना है। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका हल बताऊंगा। लेकिन मैं दूसरी चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि एक तरफ कर्जे चढ़े हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि जो एक माशरा अपने इंसानों के ऊपर खर्च करता है और इंसानों के जो हालात हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यानी ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान के अंदर दुनिया में हम वो 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से कम मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों से। ये दुनिया में हम 5 उन मुल्कों में हैं जिधर सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं। दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है और ये सबसे अफसोसनाक चीज है, इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। मैं आज ये लोगों को बताता रहा हूं, लोगों को समझ नहीं आती, तो ये मैं आज आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये अगर आप पिक्चर देखें, इसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया हुआ है जिसकी एक नॉर्मल ब्रेन है, यानी वो उसको सही गजा मिल रही है और उसकी उसकी जो जेन है वो सही तरह बड़ा हो रहा है, एक तरफ ये है। और दूसरी तरफ ये आप बच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसको गजा पूरी नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं कि इसका इसका जो पूरा दिमाग है वो पूरी तरह बढ़ ही नहीं रहा। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा, क्योंकि हम उनको पूरी गजा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, उनका वो जिंदगी के जो जिंदगी की रेस है उसमें शुरू से ही पीछे रह गए हैं। वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। उनके माँ बाप के ऊपर सोचे क्या गुजरती होगी वो जब अपने बच्चों का हाल देखते होंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे जिधर हम चले आ रहे हैं और हम यहां पहुंच गए हैं, एक मकरूज कौम, पैसा ही नहीं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं, अपने गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए पैसा नहीं, अपने किसानों को मदद करने के लिए पैसा नहीं, हम बच्चों को अपने लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, हम रोजगार नहीं दे सकते, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और रास्ता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो दूसरा रास्ता कौन सा है और वो हम कैसे जाएंगे उसके ऊपर। जो और हमारे लिए शर्मनाक चीज वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी साहिब इक्तदार हैं, जो रूलिंग एलीट है, एक तरफ आप ये देख रहे हैं हालात और दूसरी तरफ जो हमारी रूलिंग एलीट है उसका रहन सहन आपको मैं बताने लगा हूं कि उनका रहन सहन क्या है। प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हैं 524 मुलाजिम, 524 मुलाजिम, एक मुल्क एक तरफ मकरूज है दूसरी तरफ देखें उसकी उसके प्राइम मिनिस्टर यानी मैं, 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और हेलीकॉप्टर है, जहाज है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 केनाल पे है, फिर हमारे गवर्नर हाउसेज हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए का सालाना ये कौम खर्च करती है,
फिर हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, जिन उतनी जितनी उनकी गाड़ियां हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज गवर्नमेंट में दो दो तीन तीन कईयों की गाड़ियां हैं, हमारे डीसीज, हमारे कमिश्नर्स बड़े बड़े घरों में रहते हैं कितने कनाल के। एक तरफ एक कौम मकरूज है जो अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, दूसरी तरफ एक साहिब इक्तदार इस मुल्क में ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं जब अंग्रेजों ने आके इस मुल्क पे हुकूमत की थी, और उन्होंने हुक्मरानों की तरह ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस बनाए थे क्योंकि हम गुलाम थे। हम जब आजाद हुए हम भी वैसे रहते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में हम लोगों की कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रहन सहन देखें। आप सिर्फ ये देखें कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क दौरों पर कितना खर्च किया है, कोई 65 करोड़ रुपया एक प्राइम मिनिस्टर दौरे पे खर्च करता है, दौरों पे। ये क्या करने जाते हैं बाहर, मुझे कोई ये बताए कि 65 करोड़ रुपया आप दौरों पे खर्च करते हैं, ये किधर जाता है पैसा। स्पीकर नेशनल असेंबली, उनका बजट था 16 करोड़ रुपया और सुना उन्होंने 8 करोड़ रुपया दौरों पे खर्च किया है। ये क्या करते हैं वो जाके, वो कोई मुल्क फतह करने जा रहे हैं, वो क्या करने जाते हैं वहां। तो मैं आज आपके सामने इसलिए सारी बातें रख रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जहनों में डाल लें कि अगर हमने अपना रुख ना बदला, हम एक तबाही की तरफ अब जा रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने अगर अपना अपने आप को इस तबाही से रोकना है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इस कौम के लिए, हमें रहम अपने दिल में पैदा करना पड़ेगा कि हमारी आधी आबादी दो वक्त की रोटी नहीं सिखा सकती। ये अपने जहनों में डाल लें, 45% पाकिस्तान के बच्चे, वो उनको ये बीमारी है क्योंकि हम उनको खाना नहीं दे सकते सही तरह। हमें अपने दिल में ये पैदा करना पड़ेगा कि जब तक हमने अपनी सोच नहीं बदली और हमने ये नहीं सोचा कि इन लोगों का क्या बनेगा जिनको हमारा 2.25 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, इनका क्या बनेगा। यानी अगर ये आबादी बढ़ती गई जिस तरह बढ़ रही है, हम अगर इनको तालीम भी नहीं देंगे, जाहिर है तालीम नहीं देंगे तो रोजगार तो नहीं मिलने लगा लोगों को। अगर ये मुल्क इसी तरह जाता रहा, पानी का आगे कौन मसला हल करेगा, कौन इस मुल्क एक पाकिस्तान के लिए मसला एक और आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज। हम दुनिया में नंबर 7 वो पाकिस्तान है, नंबर 7 पे जो सबसे ज्यादा मुतासर होगा, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो मौसम गर्म हो रहा है, हम उस उधर खड़े हुए हैं। तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि आज वक्त है कि हम अपनी हालत बदलें। मैं मेरी एक ही, हम सारे मुसलमानों के एक रोल मॉडल हैं जो हम सब फॉलो करते हैं, जो कुरान शरीफ, अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बड़ा छोटा सा आपको बताऊं कि उन्होंने उन अरबों को जो रेगिस्तान में रहते थे, जो कबीलों में बटे हुए थे, जो आपस में लड़ते थे, जिनके दो तरफ सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर एक तरफ, पर्शियन एम्पायर एक तरफ, वो दुनिया के अजीम लीडर ने क्या चीज़ें की थी कि वो कबीलों को भी उन्होंने इकट्ठा कर दिया और उन्होंने चंद सालों के अंदर उनको दुनिया की अजीम कौम बना दिया, वो क्या चीज़ें की थी। मैं ज़रा सिर्फ वो प्रिंसिपल्स पहले आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जो कौम अपनाती है वो ऊपर चली जाती है। आज जो मैं वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा वो सारे मगरबी जमहूरियत में वो प्रिंसिपल्स अपनाए हुए हैं, वो कौमों ने वही चीज़ें अपनाई हुई हैं जो उन्होंने जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर एक कबीलों को जो जिनके पास कुछ था भी नहीं, दो सुपर पावर्स के सामने खड़ा कर दिया। तो वो मैं आपको बताऊं कि हमने वो क्या हमने अपने
अपने आप को बदलना है, वो क्या असूल है। सबसे पहले एक कौम के अंदर कानून की बालादस्ती आती है, रूल ऑफ लॉ। इसके बगैर कौम नहीं उठ सकती। जो भी सिविलाइजेशन ऊपर जाता है उनका कानून के ऊपर अमल करना, उनका कानून लोगों के लिए एक बराबर होता है। कानून होता ही कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज़ देने का है। तो उन्होंने सबसे पहले कानून की बालादस्ती कायम की और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी उसको भी मैं सजा दूंगा। यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है। दो खलीफा वक्त, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और हजरत अली कटहरा के अंदर खड़े हुए, अदालत में गए। हजरत अली एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त एक यहूदी शहरी से केस हारता है। दो चीजें सामने आती है कि एक, सारे लोग कानून के सामने, खलीफा भी कानून के नीचे है, और दूसरा कि अकलियतें वो भी बराबर के शहरी हैं। यानी ये उस वक्त जब ये ऐसी सोच नहीं थी तब उन्होंने ये कहा कि कानून के सामने सारे इंसान एक बराबर हैं। फिर उन्होंने ज़कात, अब ज़कात का कॉन्सेप्ट ये क्या चीज़ थी। ज़कात का मतलब कि हैसियत के मुताबिक लोग टैक्स देंगे, जितना ज़्यादा मेरे पास पैसा उतना ज़्यादा मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मैं उनके लिए पैसा खर्च करूं जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया। ये इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये आज मगरब के अंदर है। आप ये जो बड़े, जिनको मैं बड़ी सिविलाइज्ड कौमें कहता हूँ, स्कैंडिनेविया, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। पैसे वाले लोग टैक्स देते हैं, उनके टैक्स से निचले तबके की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। तालीम, गरीबों की आला तालीम, आला इलाज हस्पतालों में, बेरोजगार हो जाए उनको पैसे मिलते हैं, अदालत में जाए उनके लिए हुकूमत वकील करके देती है। ये आज ये सारी चीज़ें मगरब में, ये मदीना की रियासत में चीज़ें आई थी। ज़कात हैसियत के मुताबिक ज़्यादा पैसे लेते थे, वो पैसे से माजूरों को, बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को, स्टेट उनकी मदद करती थी। और फिर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर की कॉल थी कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में मैं जिम्मेदार हूं। यानी सिर्फ इंसानों की जिम्मेदारी नहीं थी, जानवरों की भी जिम्मेदारी थी। आज मगरब में ये है, मगरब में आज आपको कुत्ते नहीं भूखे मरते देखते, अब जानवरों के लिए वहां जगह बनी हुई हैं, उनके लिए अस्पताल हैं, वो नहीं आपको सड़कों पे मिलते भूखे मरते हुए। जो आज हमारे इंसानों का हाल है वो जानवरों का उनका बेहतर हाल है। वो जो असूलों के ऊपर उन्होंने खड़ा कर मदीना की रियासत जो बनाई थी, मेरिट का निज़ाम था, आज मगरब में बेहतरीन मेरिट का निज़ाम है। आज हमारे मेरिट देखें वहाँ देखें, और मेरिट का निज़ाम ये था कि जो भी डिज़र्व करता है। खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को तकरीबन शिकस्त दे दी थी जंग उहद में, लेकिन उनको उन्होंने सिपाहसाल बनाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरिट थी, जो मुसलमान ऊपर गए थे मेरिट का निज़ाम था। आज आप ये सारी चीज़ें देख लें, ये सारी चीज़ें मगरब में यहाँ नहीं है। फिर जिम्मेदारी क्या थी, जो मुल्क का जो खलीफा था, जो मुल्क का सरबरा है, उसकी जिम्मेदारियां क्या थी। सबसे पहले सादिक और अमीन, सच्चा इंसान। ये आज मगरब के अंदर दो उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट निकाला गया झूठ बोलने पे, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलने पे निकाला गया। तो सादिक और अमीन वो मदीना की रियासत में सबसे अजीम लीडर, सारे खलीफा। दूसरी चीज, अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए, जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। आज मगरब में उनके सारे डेमोक्रेसीज के अंदर लीडर्स जवाबदेह हैं, अवाम को जवाबदेह हैं कि अगर वो बताएं कि उनको पैसा किधर से आया। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हजरत अबू बकर जब खलीफा बने अपने कपड़े की दुकान फौरी तौर पर बंद की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी कपड़े के वाले जो दुकानदार हैं वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मैं वक्त का खलीफा हूं।
आज मगरब के अंदर ये कानून है। हमारे सिर्फ एक चीज देख लें कि हमारे जितने भी साहिब इक्तदार हैं, ये इक्तदार में आने से पहले इनके पास क्या था और आज इनके पास क्या है। यानी इक्तदार में आते ही पैसा बनाने के लिए। मगरब के अंदर जो जमहूरियतें आगे गई हैं वहां आपको इजाजत नहीं है, आप इक्तदार से ज़ात को फायदा नहीं पहुंचा सकते। और ये 1400 साल पहले मदीना की रियासत में एक कानून बना कि कोई इक्तदार से फायदा नहीं उठा सकता था। फिर तालीम, सबसे ज्यादा जोर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के बाद पहले से कह दिया कि पैसा भी नहीं था उनके पास, हथियार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब तालीम को तरजीह दी सबके ऊपर कि जो भी मक्का का कैदी 10 लोगों को पढ़ा लिखा दे वो आज़ाद हो सकता है, तो एक अजीम इंसान ने, अजीम दुनिया के लीडर ने अपनी कौम को बताया कि तालीम के बगैर एक कौम आगे नहीं बढ़ती। आज हमारा हाल देख लें, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज आप सोच लें मगरबी कितना वो पैसा खर्च करते हैं तालीम के ऊपर। तो जो प्रिंसिपल्स मदीना की रियासत में बनाए गए थे वो प्रिंसिपल आज मगरब में है और हम एक भी चीज़ नहीं उसके ऊपर चल रहे। तो ये जो आज मैंने आपको शुरू में, आपने घबराना नहीं है, आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई कि हमारे हालात कितने बुरे हैं, ये हालात इसलिए बुरे हैं कि हम कोई भी उस उसूल पे नहीं चल रहे जिसके लिए ये मुल्क बना था। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि वहाँ जरा हिंदू यहाँ पैसे वाले थे तो वो जाके तब पाकिस्तानी पैसे वाले आ गए, मुसलमान पैसे वाले आ गए, इसलिए नहीं ये मुल्क बना था। ये मुल्क बना था जो इलामा इकबाल, जो मैं समझता हूँ कि पिछले 500 साल में सबसे अजीम मुसलमान जहन था, उन्होंने ये एक ख्वाब था कि हम एक उन असूलों के ऊपर खड़ा करेंगे एक मुल्क को जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अब करना क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी ज़िंदगी गुजरी ऐसी है कि सारी ज़िंदगी मेरे लोग कहते थे कि ये भी नहीं हो सकता, क्रिकेटर नहीं भी बन सकते, कप्तान नहीं बन सकते, तेज़ बॉलर नहीं बन सकते, अस्पताल नहीं बन सकता, फिर देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, फिर टू पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। ये सारी ज़िंदगी मैं सुनता रहा हूँ। मैं सारी ज़िंदगी एक चीज़ सीखी है, मुकाबला करना। मैं इंशाल्लाह आप सबको, आपने मेरी टीम बनना है और मैं आपको अब इस, ये जिधर हम खड़े हैं मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा हम कैसे निकलेंगे इसे। तो शुरू करूंगा अपने आप से। मैं पहले ये जो हमारी 524 मुलाजिम हैं, मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रहा, मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ, 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजम रखूँगा और ये 2 गाड़ियाँ रखूँगा। वो 2 गाड़ियाँ इसलिए रखूँगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो मैं आराम से बनीगाला में रह सकता था ताकि कोई भी खर्चा ना हो। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आए और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। उसके अलावा मेरी जो सोच है कि हम सारे गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, दो जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे, खर्चे अपने कम करेंगे, हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे अब क्या हैं। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने कमेटी बनाई है,
ये कमेटी है दानिश्वरों की, इसमें हर किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। ये मीट करेगी अभी कमेटी इंशाल्लाह, जब हमारी कैबिनेट मीटिंग कल से शुरू होगी ये कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा, ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फ़ायदा हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे, एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। तो एक तो मेरा ये सोच है, बाकियों का हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे कि हम इनके लिए क्या करेंगे। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे, डॉक्टर इशरत हुसैन के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हर डिपार्टमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह जिधर खर्चे इतने बड़े हुए हैं और अवाम का पैसा खर्च हो रहा है शाहाना रहन सहन में, हर जगह अब हमने खर्चे कम करवाने हैं और लोगों को ये एहसास दिलवाना है। और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमने ये जो भी पैसा हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, हम उनका पैसा लेते हैं जो बेचारे दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो हमें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, नए पाकिस्तान में नई सोच की ज़रूरत है। हमने ये पैसा बचा के पहले उन लोगों पे खर्च करना है जो हमारा तबका पीछे रह गया, जिनको हम माशरे ने पीछे, हमारी रियासत ने पीछे छोड़ दिया, जिनको हमने मौका ही नहीं दिया कि वो भी आके ऊपर मुकाबला करें। तो डॉक्टर इशरत के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका मकसद ही सिर्फ ये होगा कि हम अपने खर्चे कम करें। मैं ये भी एक आप सबके सामने आज कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बड़ी बुरी आदत है और ये पड़ गई है आदत कि हम बाहर के मुल्कों से इमदाद और कर्ज़ों पे गुजारा करते रहे हैं और हमें कोई बुरा नहीं लगता कि ये हम लोगों के पास ये पैसे मांगने कभी चले जाते हैं, कभी हमारे जो सरबरा होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं कर्जे लेते हैं, अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने हैं। देखिए, कोई मुल्क भी तरक्की ऐसे नहीं करता, कोई मुल्क जो खड़ा होता है वो अपने पैर पे खड़ा होता है। कर्जा होता है एक छोटे से वक्त के लिए, एक मुश्किल वक्त आता है, मसलन जर्मनी और जापान तबाह हो गए दूसरी जंग अजीम में, उन्होंने कर्जा लिया एक पीरियड के लिए, उसके बाद वो कौम अपने पैर पे खड़ी हो गई। हमें अपने पैर पे खड़ा होना है। हम ये ऐसे जैसे हम गुजारा करते आए अब तक हम नहीं कर सकते, अब वैसे अगले कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कर्जा भी देंगे, देखिए जो कर्जा देता है ना वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा, पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने के, कभी किसी मुल्क पे जा रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए शौकत हानम के लिए पैसा मांगने के लिए मैं पाकिस्तान की सड़कों पर निकला हूं लेकिन पाकिस्तानियों से पैसा मांग रहा था। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि किसी बाहर वाले मुल्क से जाके पैसा मांगो, मुझे भी शर्म आएगी और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। देखिए, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, अपने जिसमें कौमी गैरत नहीं होती, वो दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें बुरा लगता है, मैं कई दफा हुआ हूं, हम बाहर गए हैं पाकिस्तानियों को लहदा वो लाइन में खड़ा कर देते हैं और दुनिया के लोग जा रहे होते हैं पासपोर्ट देके चले जाते हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन ये हमारा कसूर है, ये दुनिया का कसूर नहीं है, हम जो हाथ फैला के दुनिया के सामने पड़ते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि इस कौम को मैंने अपने पैर पर खड़ा करना है। हमने कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, हमने एक अजीम कौम बनना है। अजीम कौम बनती है कुर्बानियां देके, वो भिखारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। हमने अपने पैर पे खड़ा होना है और कैसे वो मैं अब आपको बताता हूं। पैसा इकट्ठा करना है हमने, इस 20 करोड़ लोगों के अंदर 8 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। 20 करोड़ अवाम में 8 लाख लोग अगर टैक्स देंगे वो मुल्क ज्यादा देर नहीं चलेगा।
यहां पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, टैक्सी नहीं देते। जो इंशाल्लाह मैं आपके सामने वादा करता हूं, सबसे पहले मैंने एफबीआर को ठीक करना है। हमारी पहली कोशिश होगी कि जो एफबीआर है, जिसमें करप्शन इतनी ज्यादा है, लोगों को इतमाद नहीं है, वो टैक्सी नहीं देते। पहले तो हम एफबीआर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम अवाम को ये एतमाद दूंगा कि आपके टैक्स की मैं हिफाजत करूंगा, आपका टैक्स आप पे खर्च करूंगा। पूरी ये जो हम ये कैंपेन चलाएंगे, अब ऑस्टेरिटी कैंपेन सादगी की, ये चलती जाएगी मुसलसल। हम हर रोज आपको बताएंगे कि हमने अवाम का कितना पैसा बचाया। लेकिन जब एक तरफ हम पैसा बचा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टैक्स दें। इसको जहाद समझें आप, कि आपने अपने मुल्क की गैरत के लिए टैक्स देना है। आप अगर टैक्स बचाते हैं, आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जब आपकी हैसियत है टैक्स देने की और आप टैक्स बचाते हैं, तो याद रखें ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनको हम ना पढ़ा सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, बेचारे जो किन हालात में रह रहे हैं, कच्ची बस्तियों में जाके देखें, कराची में कभी जाके देखें, वो गंदे नाले के साथ बच्चे वहां चीजें उठा उठा के खा रहे हैं, यानी हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमने ये सोचना है कि ये जो हम टैक्स देंगे, इसको ये समझे कि अल्लाह के लिए दे रहे हैं, जिस तरह हम ज़कात देते हैं, ये हमने देना है अपने निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपको ये साबित करूंगा कि हमने अगर ये अपनी रिफॉर्म्स कर दी, हमने आपको ये इत्मीनान दिलवा दिया कि टैक्स आपके ऊपर खर्च होगा, इंशाल्लाह हम ये कभी भी हमारा खसारा नहीं होगा। ये जो आज हमारे सारे मसले ये हैं कि हमारे खर्चे ज्यादा और हमारी आमदनी कम है, इंशाल्लाह हम अपनी आमदनी पूरी करेंगे। इसके साथ साथ हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो अभी मैं उसका ऐलान करूंगा, कि जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है कि हर साल इस मुल्क में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी कि 1000 अरब इस मुल्क से चोरी होकर बाहर जाता है। ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ये हैं असल इस मुल्क के मुजरिम। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, आप कभी किसी पार्टी को वोट ना दें जिसके लीडर का सारा पैसा इस मुल्क में नहीं है, जिसका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है। कैसा वो लीडर है जो अपने सारी बिजनेस और पैसे बाहर रख रहा है और आके लीडरी पाकिस्तान में कर रहा है? ये आपकी अपनी गलती है। अगर कौम ऐसे करेगी कि जो पैसा निकाल के बाहर लेके जा रहा है, उस यानी वो कैसे वफादारी करेगा कौम से अगर उसका अरबों रुपया बाहर पड़ा हुआ है? और जब बाहर पैसा पड़ा होता है तो वो मुताज हो जाता है, वो बाहर से कंट्रोल हो सकता है। इसलिए ये भी साथ साथ ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने उन पार्टीज के जिनके लीडर्स के पैसे बाहर पड़े, आपने उनको वोट नहीं देना। उसके बाद हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी कि हमारी हुकूमत पूरी मदद करेगी इंडस्ट्रीज की, एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्रीज है, और इंशाल्लाह वो हमने पूरी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, हम हर रुकावट उनकी खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी रुकावट है उनके रास्ते में एक्सपोर्ट्स की। फिर इन्वेस्टमेंट है, इस मुल्क में सरमायाकारी लेके आनी है, सरमायाकारों के लिए हम इंशाल्लाह वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ऑफिस होगा जो सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो रुकावटें उनके लिए, जो मुश्किलात उनके लिए, इंशाल्लाह हम दूर करें ताकि यहां सरमायाकारी बढ़े। फिर हमने अपनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, देखिए एक मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो छोटे इंडस्ट्रियल, जो छोटा बिजनेसमैन होता है, जो छोटा सरमायाकार होता है, उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी रुकावटें हैं। तो जो वर्ड्स हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी उनके लिए इतनी रुकावटें हैं, इतनी रेड टेप है, इतनी मुश्किलात है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते, उनके लिए इंशाल्लाह आसानियां पैदा करेंगे ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करें, फिर रोजगार लोगों को मिले। उसके बाद मैंने जो हमारी एम्बसीज हैं सारी बाहर, उनको मैंने कल से इंशाल्लाह पैगाम पहुंचाऊंगा कि जो हमारे बाहर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो इतना बड़ा इस मुल्क का असास है,
जो वहां से हमें पैसे भेजते हैं, जिसके जिस पैसे पे मुल्क चलता है, तकरीबन 20 अरब डॉलर बाहर से रेमिटेंसेस आती हैं। हमने इंशाल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, उनके लिए हमारी एम्बसीज का काम होगा कि उनकी मदद करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। हमारा लेबर है वहाँ, और हमारे कई हजार पाकिस्तानी बाहर जेलों में पड़े हुए हैं। फौरी तौर पर मैं अपनी एम्बसीज को कहूँगा कि हमें बताएं कि ये कौन, ये क्यों पड़े हुए हैं, और इनको फौरी तौर पे देखा जाए क्या इनकी, इनका जुर्म क्या। हम कोशिश करें इनकी मदद करें, जाके उनको ये बताएं कि वो लावारिस नहीं है, हम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया या वो बेकसूर हैं, कई लोग बेचारे पता चलता है ये जो वॉर ऑन टेरर के बाद वैसे ही पकड़ लेते हैं लोगों को, तो इंशाल्लाह अपनी एम्बसी से इनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है। और फिर मैं आ गया ओवरसीज पाकिस्तानीज पे, मैं आज ओवरसीज पाकिस्तानीज को खास आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पूरी पैदा करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप अपना पैसा पाकिस्तान लेके आएं, पाकिस्तान की बैंकों में रखवाएं। इस वक्त हमें डॉलर्स की बहुत कमी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमारा खसारा इतना बढ़ गया, जो ट्रेड गैप है हमारा, जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना बड़ा गैप आ गया है कि हमें ज़रूरत है इस वक्त डॉलर्स की। मैं चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हमारे बैंकों में पैसा रखवाएं, रेमिटेंसेस भी जब भेजते हैं रिश्तेदारों को बैंकों के ज़रिए भेजें, ताकि मुल्क को डॉलर्स मिलें। ये हमारा जो ये जो एक मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल से गुजार ये मुश्किल वक्त गुजारने के लिए मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को ख़ास कहूँगा कि आप इस मुल्क में हमारी मदद करें, इस वक्त तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद करप्शन, ये तीसरा बहुत बड़ा इशू है। करप्शन के ऊपर हमने पूरा अब जोर लगाना है। कोई भी मुल्क जिसमें इतनी ज़्यादा करप्शन हो, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। करप्शन दो काम करता है, एक तो पैसा जो अवाम पे खर्च होना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है, दूसरा करप्शन करते वक्त जब साहिब इक्तदार करप्शन करते हैं तो वो मुल्क के इदारे तबाह करके करप्शन करते हैं, नहीं तो वो करप्शन नहीं कर सकते, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे। एक तो नैब है, नैब को मैं इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा, किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको उनको पावरफुल बनाने के लिए। उसके साथ साथ मैं एक हम एक कानून पास करने लगे जो हमने पख्तूनख्वा की असेंबली में किया था, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर एक्ट। मतलब ये कि कोई भी आदमी खास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी करप्शन की निशानदेही करता है, जो भी करप्शन की निशानदेही करता है, जो भी पैसा उससे वसूल होगा उसकी निशानदेही करने की वजह से, उसका 20 या 25% उसको जाएगा। यानी को उनको उनको हलाल तरीके से वो पैसा बना सकते हैं अगर वो मुल्क की करप्शन बचाएं और मुल्क का पैसा बचाएं। ये विसल ब्लोअर एक्ट इंशाल्लाह जो पख्तूनख्वा में, ये भी पास करेंगे। और SECP ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह इस इदारे को ठीक करेंगे, क्योंकि ये भी पहले इसके ये मिले हुए थे करप्ट लोगों के साथ। और फिर FIA, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपने नीचे रख रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि FIA के जरिए हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इस मुल्क से और जो करप्शन है, उसके लिए मैं खुद इसके ऊपर पूरा नजर रखूंगा, क्योंकि जब तक ये माफियाज बैठे हुए हैं और यहाँ इस मुल्क को पैसा चोरी कर करके बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये याद रखें कि हम ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, हमारे इंसान हैं जिनको हमने उठाना है ऊपर, हम नहीं उठा सकेंगे, लिहाजा इसके ऊपर मैं खुद नजर रखूंगा। मैं आपको अभी भी ये बता दूं कि जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ये करप्ट लोग जो हैं, जो अभी तक बड़े आराम से पैसा बना रहे थे, ये हर जगह बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट्स में माफिया बैठे हुए हैं, FBR के अंदर माफिया बैठे हुए हैं, ये हर जगह लोग वो बैठे हुए हैं जो एक करप्ट निजाम से पैसा बना रहे थे। तो जब इनके ऊपर हाथ डलेगा, ये अपने जेन में डाल लें कि शोर मचाएंगे, और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आएं, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डलेगा। लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना है।
क्योंकि हमने या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे, तो इसलिए तैयार हो जाएं इसके लिए। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग कराई है मुकाबला करने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं इनका पूरी तरह आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा। फिर हमने सबसे ज्यादा चीज आम लोगों के लिए, हमने इंसाफ का निज़ाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है, हमने ये जो अदलिया अदालतों में जो लोग सालों सालों केसेस चलते हैं, नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं लोगों के, आम आदमी को मुसीबत है, ज़मीन के केसेस हैं, कई साल चलते हैं, लोग बेचारे अगले जहान में चले जाते हैं लेकिन ज़मीन के केस हल नहीं होते। हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के बात करनी है, जो हमने पख्तूनख्वा में किया था, वहाँ भी हमने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठ के एक सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट की थी। एक साल के अंदर अंदर सारे केसेस सिविल केसेस का हमने फैसला किया था होगा, और वो हमारे साथ अदलिया भी थी, उन्होंने भी हमारे साथ पूरी तरह तावन किया। और अब हम इंशाल्लाह नेशनल लेवल के ऊपर ये करेंगे कि केसेस एक साल से ज़्यादा केसेस को नहीं जाना चाहिए, हम सारों को मिल के इस हम अपने अवाम के लिए, यानी हम ये अवाम से ये जुल्म नहीं कर सकते कि जुर्म होता और सज़ा नहीं मिलती, तो इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम लाएंगे कि एक साल के अंदर केस का हल हो। और मैं चीफ जस्टिस साहब से आज ये ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कई बेवाएँ हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया हुआ है, वो बेचारी उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं, ज़मीनों के केसेस हैं, वो बेचारी रुल गई हैं, सालों बेचारे गुजर गई हैं और उनके केसेस के हल नहीं होते। तो मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम जो बेवाएं हैं इनके प्लीज़ केसेस हल करें आप, जो कि ज़मीनों के केसेस हैं और ये बेचारी इनके लिए बड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको सिर्फ एक वाक्या बताना चाहता हूँ। जब मैं शुरू की पॉलिटिक्स तो मुझे एक खातून ने अपने खून से खत लिखा और उसने कहा कि मैं और मेरी बेटी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, मेरे हस्बैंड को किसी ने कत्ल कर दिया, हम वो कत्ल का केस के लिए FIR के पीछे पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ वो पुलिस वाले जान के हमारा केस डिले करते रहते हैं, हमें बार बार जाना पड़ता है और हमें बुरी नज़र से देखते हैं। तो वो कहती कि मेरी आज ये हाल है कि मैं अपनी बेटी और हम किसके पास जाएं। तो मैं इंशाल्लाह आज सबके सामने आज वादा करता हूं कि ये मेरा अज़म है कि ये जो हमारा कमज़ोर तबका है जिनसे जुल्म होता है, ये जो हमारी बेवा हैं, हमारे जो बेचारे गरीब तबका है, जेलों में मैं जब जेल में था सिर्फ गरीब लोग ही नज़र आते हैं, और जेलों में भी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने वकीलों के ग्रुप्स वकीलों को भेजेंगे जेलों के अंदर, कम से कम जाके देखें जेल के अंदर जो पड़े हुए हैं लोग, इनसे देखें तो सही कि क्या इनके मसले मसाइल हैं। कई बेचारे फीस नहीं दे सकते, जेलों में बेचारे पड़े हुए हैं और बुरे हालात में रह रहे हैं, और कईयों का सिर्फ जुर्म है उनकी गुर्बत। तो हमने एक वो भी करना है और फिर पुलिस का हमने निज़ाम ठीक करना है। पहले मुझे KP की बड़ी खुशी है कि KP के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पुलिस में, और मैं बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ कि जिस तरह KP की पुलिस ने एक ऐसी तब्दीली ले के आई कि हमारे इलेक्शन की जीतने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि पुलिस तब्दील हो गई, वहाँ लोगों को इत्माद आ गया पुलिस के अंदर, वहाँ जुर्म नीचे आ गए, और वो सिर्फ इसलिए था कि हमने पुलिस को प्रोफेशनल किया। और एक पुलिस के जो IG थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब IG थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। और एक पुलिस का जो बड़ा एक अफसोसनाक इस मुल्क का मसला है और ये फैलती जा रही है बात कि बच्चों से बहुत ज्यादती हो रही है। कसूर का एक केस सामने आ गया, लेकिन वो क्योंकि सामने आ गया
और इतने ज़्यादा केसेस हैं जब आप सुनते हैं, लेकिन माँ बाप शर्म आती है, वो बेचारे डर बात नहीं करते। तो मैंने पुलिस, ये पुलिस के साथ हमने मिलके ये जो बच्चों से ज्यादती होती है इनके ऊपर हमने बड़ा सख्त एक्शन लेना है। और इंशाल्लाह हमारे जो ह्यूमन राइट्स की हमने मिनिस्ट्री बनाई है उसका असल मकसद, एक मकसद भी ये होगा कि ये जो बच्चों चाइल्ड अब्यूज जो है इसके ऊपर हम पूरा जोर लगाएं ख़त्म करने के लिए। छठा है जी तालीम, तालीम का जोर सबसे ज़्यादा लगाना है सरकारी स्कूलों के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब तक तालीम ठीक नहीं होगी हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, मुल्क ऊपर नहीं आ सकेगा। अक्सरियत हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है। और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, तनख्वाहदार लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर कई दफ़ा रेगुलेटेड फीस नहीं है, फीसेस बढ़ जाती हैं, किताबों के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और मुझे पता है कि जो हमारी तनख्वाहदार तबका है वो किस तरह की कुर्बानियाँ दे रहा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। मुझे पता है कि कई दो दो नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाएं। लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं लेकिन वो अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं बच्चे कम से कम उनको सही तालीम मिले। इसलिए सबसे ज़्यादा तो हमने जोर लगाना है गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक करना। पख्तूनख्वा के अंदर कई गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड इतनी हुई कि प्राइवेट स्कूल से 1.5 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आया। अब हमने इसको और लेवल पे लेके जाना है, हमने गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक करनी है। उसके बावजूद जो इतने ज़्यादा हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम एक और चीज़ सोच रहे हैं कि डबल शिफ्ट करें, प्राइवेट स्कूलों को दावत दें कि जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रेमिसेज हैं जब वो गवर्नमेंट स्कूल का टाइम ख़त्म हो तो प्राइवेट स्कूल के जो भी आना चाहता है वो किराए पर ले कर तो वहाँ फिर वो क्लासेस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी है, हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पढ़े हैं हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और हमने मदरसा के बच्चों को नहीं भूलना। मेरी जो अब एक और भी विजन है वो ये कि मदरसे के से निकल के बच्चों को भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, बड़े बड़े काम करने के लिए जनरल बनना चाहिए, जजेस बनना चाहिए। ये क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उनको मौका देते? तो इंशाल्लाह हमने अब पूरा जोर लगाना है कि मदरसा की जो एजुकेशन सिस्टम है जिसे 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनकी स्टैंडर्ड हम रेज करें, उनको मौका दें कि वो भी उनके वहाँ से भी बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकें। फिर अस्पतालों के लिए हमने हॉस्पिटल्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। हमने जो पख्तूनख्वा के अंदर किया बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, शौकत खानम बनाना हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल बनाना, उसमें नए निज़ाम बनाना, उसके अंदर नई उसके अंदर नया सिस्टम ला लेके आना, मेरिट का निज़ाम बनाना, सज़ा और जज़ा, आसान काम है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें एक पुराना निज़ाम आया हुआ है, एक फरसूदा निज़ाम, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ा जोर लगा के पख्तूनख्वा के अंदर आखिरी साल में 5 साल जोर लगाया, आखिरी साल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तब्दीली आनी शुरू हुई। अभी भी नहीं आई सही तरह, लेकिन जब तक हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट सिस्टम बदलेंगे नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं मुकाबला करेंगे, फिर होगा क्या कि अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल और गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है और उसके लिए मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है। वो पूरी जाके 2 सूबों में, तो हमारी जिधर गवर्नमेंट है उधर तो हम पूरा जोर लगाएंगे, और सिंध में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट स्कूलों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड ठीक करना। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड लेके आएंगे। पख्तूनख्वा के लोगों को जो हेल्थ कार्ड था, 5.5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस थी कि गरीब घराने में अगर कोई बीमार हो जाता है तो 5.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है। इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे ताकि गरीब घराने बेचारे, पहले मुश्किल है खाना पीना मुश्किल है, तो कोई बीमार हो जाए तो कम से कम उनके पास हेल्थ कार्ड हो, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। फिर जो मसला है पानी का, बहुत बड़ा मसला है, ये बड़ी देर से आ रहा था, इसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं कि ये इतना बड़ा मसला ये होता ना अगर पहले से इसकी तैयारी होती। अब हमारे ऊपर अभी ये इमरजेंसी है। सबसे पहले तो हमारे शहरों के अंदर अब मुश्किल पड़ गई है, कराची में पानी नहीं है, सब जानते हैं कि टैंकर माफिया आ गया है, वो लोग पानी देने पे पैसा बना रहे हैं,
क्या हालात हैं कराची के, ये कोयटा के अंदर, कोयटा के अंदर वहां पानी नहीं है, इस्लामाबाद में कई इलाकों में पानी नहीं है। और ये जो मसला है पानी का, ये आज नहीं है, देर से आता जा रहा था, किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं है। इसके ऊपर हम पूरी मिनिस्ट्री बना रहे हैं पानी के ऊपर और पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले शहरों में कैसे पानी, फिर हमने कैसे पानी को बचाना है। किसानों के लिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि उनको नए तरीके बताए जाएं कि पानी किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी फसलों के लिए किसान देते हैं, लेकिन जो तौर तरीके हैं दुनिया में बड़े ज़बरदस्त तरीके हो गए हैं पानी बचाने के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह वगैरह, ड्रिप इरीगेशन, ये पूरी हम किसानों की मदद करेंगे उसके ऊपर। कैनाल्स, ये जो नहरों की लाइनिंग करेंगे ताकि उससे पानी, उसमें भी पानी बच सकता है। लेकिन इस वक्त एक डैम बनाना तो अब नागुजीर हो गया है कि बाशा डैम हमें हर कीमत पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ना बनाया तो आगे जाके हमें बहुत बड़े मसले आएंगे। इसका डैम क्यों नहीं बनती, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह डैम के लिए जिस तरह चीफ जस्टिस ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ये सारी कौम मिल के, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हम मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा इकट्ठा करें बाशा डैम बनाने के लिए। फिर नौवीं चीज़, किसान। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेज़ी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें। किसानों के पास जब तक पैसा नहीं आएगा वो अपनी ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, और वो ज़मीन पे नहीं लगाएंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने मदद करनी है किसान पैसा बनाए, और पैसा तब बनाएगा जब हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं, यानी कि एक एकड़ से वो ज़्यादा पैदावार निकाल सकें। अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे पास फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त होती थी, वो हमने जिस तरह बाकी इदारे तबाह हुए वो भी पीछे रह गया। तो सबसे ज़रूरी है एग्रीकल्चर रिसर्च, हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। ये हम सोचें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेचारे किसान हिंदुस्तान से सब्जियों के बीज लेते हैं ताकि उनकी पैदावार बढ़ जाए, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे किसानों की हर तरह मदद करने के लिए, लेकिन रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पानी का बेहतर इस्तेमाल करना, वो फिर दूसरी चीज़, और कैसे वो पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने बड़ी ज़रूरी हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, यानी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी और अगर पॉलिसी को सिविल सर्विस उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगी सही तरह, अगर सिविल सर्विस अपना काम नहीं करेगी तो हम तो जो मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएँ। 60 की दही में, 1960s में पाकिस्तान की सिविल सर्विस सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारी अपनी सिविल सर्विस ने किए थे, हमारी सिविल सर्विस दुनिया में उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। हमारी बदकिस्मती, हमने सियासी मुदाखलत से मेरिट ख़त्म करके, प्रोफेशनलिज्म ख़त्म करके आज हमारी सिविल सर्विस उस मेयार की नहीं रही। अब हमने अपनी सिविल सर्विस को उठाना है तो हम उसके लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने किताब भी लिखी हुई है, उनकी कमेटी बन रही है और वो भी वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं कि हम कैसे मेरिट वापस ला सकते हैं, कैसे डीपोलिटिसाइज कर सकते हैं। मैं सिविल सर्वेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत में किसी किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं होने देंगे। आप डिलीवर करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आपकी एफिलिएशन जिस मर्जी जमात से है, ये मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे मुल्क के लिए काम करें। मैं आपसे जो दूसरी चीज़ ये चाहता हूँ, हम आपको पूरी इज्जत देंगे, हम आपको जिस तरह बदकिस्मती से नौकरों की तरह रखा, कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट किया गया, हम आपको इज्जत भी देंगे, कोई मुदाखलत भी नहीं करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको इंशाल्लाह टेन्योर की भी, आपकी प्रोटेक्शन भी देंगे, कि ये नहीं कि हर दूसरे दिन ट्रांसफ़र, आपकी वो भी मदद करेंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैं आज आपसे ये चाहता हूँ कि जो आम आदमी, हमारा आम आदमी जब सरकारी ऑफिसेज में आए, आपने उसको इज्जत देनी है, उसको इंसान समझना है, उसको VIP बनाना है। ये अल्लाह का काम है, वो बेचारे आम आदमी धक्के खाता फिरता है, उसके जो आम जो बेचारे के जो उसका हक है, जो उसका राइट है, वो ही नहीं उसको मिलता। एक हम इंशाल्लाह राइट टू सर्विसेज एक्ट लेके आ रहे हैं, जो हमने पख्तूनख्वा में लेके आए थे, कि
अगर एक डिपार्टमेंट लोगों के काम करती है जो आम आदमी के काम, मसलन पासपोर्ट ऑफिस है, मसलन आईडी कार्ड है, जो भी जो आम आदमी का राइट है, अगर उसका टाइम पे काम करती है, हम उन डिपार्टमेंट्स को बोनसेस देंगे। लेकिन अगर लोगों का काम नहीं हो रहा, हम उनको पीनलाइज करेंगे, सजा और जजा का कानून लेके आएंगे सिविल सर्विसेज में। जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर तनख्वाहें भी आपकी ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन आपने आम आदमी जो बेचारा धक्के खाता फिरता है सरकारी दफ्तरों के बाहर, उसकी आपने जिंदगी बेहतर करनी है, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। उसके बाद बल्दियाती निज़ाम, पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा बल्दियाती निज़ाम लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने नीचे तक पावर दी है, हमने उसमें से बड़ा सीखा है। अब हम सारे अब दो सूबे में जिधर हमारी हुकूमत है, एक नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे, नाजिम की डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नाजिम को डायरेक्टली इलेक्ट करवाएंगे, उसको हम एम्पावर करेंगे, उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस होंगे, ताकि एक निचले तौर पर डेवलपमेंट हो। अब तक ये होता रहा है कि सारा पैसा पंजाब के अंदर और सिंध में चीफ मिनिस्टर के पास होता है, वो क्या करता है, वो जो पैसा जाना चाहिए बल्दियात में वो दे देता है डेवलपमेंट फंड्स एमएनए और एमपीए को। कहीं भी दुनिया में एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलते। हाँ, उनकी आवाज हो सकती है, लेकिन बता सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होती है बल्दियात में। तो हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतरीन करना है। सारी दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे हैं उनका बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है। उसके बाद नौजवानों के लिए पहले तो हमने नौकरियां देनी है, और नौकरियों के लिए हमने एक इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है। हाउसिंग का हमने बड़ा चैलेंज लिया है, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। ये बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने बाहर की एक्सपर्टीज भी ली है, पूरा ओपिनियन लिया है इसमें कि क्या सिस्टम, कैसे वन विंडो ऑपरेशन लेके आना है। ये बड़ा बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर ये चल पड़ा, इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे और इंडस्ट्री चलेगी, इससे और 50 इंडस्ट्री तो डायरेक्टली इसके साथ खड़ी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक तरीका है कि जो हमने पहले बनाया कि नौकरियों के लिए, दूसरा हमने स्किल सिखाने हैं, हमने यानी कि नौजवानों के लिए स्किल एजुकेशन के लिए काम करना है। तीसरा कर्जे देंगे, सूद के बगैर कर्जे देंगे नौजवानों को कि अपनी अपनी वो बिजनेसेस करें। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे बार बार नौजवान कहते हैं, खेलों की ग्राउंडें बनानी है। मैं जब क्रिकेट खेलनी शुरू की थी लाहौर में, तो वो कई ग्राउंडें गायब ही हो गई हैं, कब्जे हो चुके हैं उनके ऊपर। कराची में वो मुझे बता रहे हैं, जावेद मियां दाद बता रहे थे कि वहाँ जो ग्राउंडों में, कई ग्राउंडों पे वो खेलते, वो कब्जे हो गए हैं, उनके ऊपर घर बन गए। हमने अपने बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें बनानी है, हमने लोगों के लिए पार्क्स बनानी है, और इंशाल्लाह ये एक पूरी कैंपेन आप चलाएंगे कि ये हक है हमारे लोगों का, शहरियों का, हमारी ख्वातीन को निकलने के लिए पार्क्स भी हों और बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंड है। फिर हमने सारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करनी है दरख्त लगाने की। हमने 1 अरब दरख्त लगाए पख्तूनख्वा में, अब हमने ये सारे जो हमने तजर्बा सीखा है सारे पाकिस्तान में 1 अरब दरख्त अब हमने लगाने हैं। ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। हमने शहरों के अंदर दरख्त लगाने हैं, अगर हमने शहरों में दरख्त ना लगाए तो ये गर्मी बढ़ती जाएगी। जिस तरह कराची के अंदर हीट वेव आ गया है, क्योंकि वहाँ कोई दरख्त ही नहीं है, वहाँ सिर्फ सीमेंट के ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है बारिशें कम हो जाती हैं। लिहाजा हमने ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने एक बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान को हरा करना है, और ये एक सारे हमारे अपने नौजवानों को हम साथ मिलाएंगे, हमारा एक नौजवान आबादी है, इनको हम साथ मिलाएंगे, और इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे कैंपेन करेंगे पाकिस्तान को हरा करने के लिए। इसके साथ साथ हमने पोल्यूशन, हवा की पोल्यूशन जो कि इस वक्त लाहौर में नवंबर आने वाला है, इंतहा की पोल्यूशन है, बीमारियां इनसे फैलती हैं, पता नहीं इसे कितनी हमारे बच्चों को और बूढ़ों को कितना इफेक्ट होगा। तो इसलिए एक बड़े पैमाने में पोल्यूशन के ऊपर हमने पूरा जोर लगाना है। हमने मिनिस्टर पूरा रखा हुआ है एनवायरनमेंट का, अमीन असलम को, और उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर भी, दरख्त लगाने पे भी। और जो तीसरी चीज़ है गंदगी, हदीस है कि आधा ईमान सफाई है, और हम जितना अपने अपने मुल्क में गंदगी फैल गई है, कराची में हमने कराची को बदलते देखा है, कहाँ एक साफ सुथरा शहर और कहाँ गंदगी के अंदर, हर जगह गंदगी है। और फिर हम
समुंदर को भी बर्बाद कर रहे हैं गन समुंदर के अंदर डाल के। तो ये पूरी एक कैंपेन करनी है हमने अपने मुल्क में, हमने दरिया साफ करने हैं, अपनी हवा साफ करनी है, ये जो सारा गंद पड़ा हुआ है इसके लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से हम कंपनीज लेके आए। हमारे पास इतनी ज़्यादा यहाँ मुल्क में बेरोज़गारी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और हमने अब अपनी सफाई शुरू करनी है इस मुल्क की। तो ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह 5 साल के बाद ऐसा लगे कि जैसे आप किसी दुनिया के यूरोप के मुल्क में जाते हैं और आपको सफाई नज़र आती है। और ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसके लिए इरादा चाहिए सिर्फ। और फिर टूरिज़्म, जितना ज़्यादा पाकिस्तान में टूरिज़्म का पोटेंशियल है किसी को अंदाज़ा नहीं है। मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से हूँ जो सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, दुनिया भी फिरा हूँ। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो हम नए रिजॉर्ट्स खोलने जा रहे हैं, आप स्विट्ज़रलैंड भी चले जाएँ तो आपको इतनी खूबसूरती नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह हर साल 4 नए हमने रिजॉर्ट्स खोल रहे हैं। ये इलेक्शन ना आता तो अभी 4 रिजॉर्ट्स खुल चुके होते पख्तूनख्वा में, लेकिन हर साल हमारा है कि 4 नए रिजॉर्ट्स खोल रहे हैं। टूरिज़्म को हमने फ़रोग देना है। हमने जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, इतनी खूबसूरत हमारी समुंदर के साथ साथ बीचेस हैं, हम क्यों नहीं हम उनको इंशाल्लाह डेवलप करेंगे, हमारी फैमिलीज जाएँ वहाँ। कराची में कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, इतनी बड़ी आबादी है। और फिर बाहर से लोग आएंगे, गवादर के पास जाए, इतनी खूबसूरत बीचेस दुनिया में नहीं है कहीं। तो इंशाल्लाह हम अपनी बीचेस का भी इस्तेमाल करेंगे और अपने खूबसूरत इलाकों का भी। फिर फाटा, 3-4 चीज़ें हैं जो हमें, मैं आपको भी बता दूं, हमें बड़ा मुश्किल आने वाली है और उसके लिए बड़ा एक मजबूत अज़म चाहिए, इरादा चाहिए इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले फाटा, फाटा के अंदर बहुत बुरे हालात हैं, जंग की वजह से अभी तक वहाँ तबाही है, वहाँ लोग, वहाँ नॉर्मल हालात नहीं हैं। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि फाटा और केपी जामों मर्ज किया जाए और फाटा के अंदर डेवलपमेंट शुरू की जाए, और जल्दी से जल्दी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएंगे ताकि उनके ज़रिए डेवलपमेंट शुरू की जाए। ये बड़ा, बहुत बड़ा इशू है फाटा का, और ये बड़ा हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। दूसरी चीज़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान हमारा पीछे रह गया है, बलूचिस्तान के अंदर हालात बुरे हैं और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अब बलूचिस्तान में पूरा ज़ोर लगाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग नाराज़ भी हैं, जो मिलिटेंट्स भी बन चुके हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको साथ लेके आएं। जो भी इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान के, इंशाल्लाह हम हल करेंगे और पूरा ज़ोर लगाएंगे, जिसमें मैं ख़ुद पूरा ज़ोर लगाऊँगा। साउथ पंजाब का जो हमने फ़ैसला किया कि ये इसका सूबा बनेगा, ये बिल्कुल बनना चाहिए। 12 करोड़ का पंजाब है, एक लाहौर से बैठ के 12 करोड़ का पंजाब की हुकूमत नहीं हो सकती सही तरह। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी फौरी तौर पे काम शुरू करेंगे। और कराची की मैं फिर से बात कर दूं, कराची अगर नहीं उठेगा, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर कराची के हालात अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान के माशी हालात अच्छे नहीं होंगे। तो कराची के लिए ट्रांसपोर्ट हमने करनी है और वो इंशाल्लाह हम सिंध हुकूमत के साथ पूरी मदद करेंगे। कराची की पुलिस, जो सारी सिंध की पुलिस, लेकिन कराची में लॉ एंड ऑर्डर रेंजर्स सिर्फ नहीं रख सकते, पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। कराची का जो ये गंदगी है, कूड़ा करकट है, ये इसके लिए हमें सफाई करनी पड़ेगी। और कराची का पानी का बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए हम पूरे प्रोग्राम बना रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट भी और भी, कि हमने कैसे कराची के लोगों को पानी देना है। हमारी नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स थे, ये सारी पार्टीज़ का मुत्तफिक फैसला था, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट का काम है कि जो सारी पार्टीज़ ने 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पार्टीज़ मानी हुई हैं, इंशाल्लाह ये हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी को हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है। अमन जब तक नहीं आएगा, इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। फॉरेन पॉलिसी, मेरे सारे जितने भी पाकिस्तान के हमसाए हैं, उन सब से मेरी बात हुई है, उन सब ने मुझे टेलीफोन किया, उनका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम सारे हमसायों से अपने ताल्लुकात बेहतरीन करेंगे। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अमन जब तक नहीं आता, हम अपने ये जो हमारा आधी आबादी गुरबत की लकीर या उससे नीचे है, हम इसको ऊपर नहीं उठा सकते। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारे हमसायों से अपने बेहतरीन रिलेशनशिप करें। जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो ये कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक फ्लाई रियासत बनाना चाहते हैं।
शुरू तो हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे जो बच्चे सड़कों पे हैं, जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, इनके लिए हमने ये हमारी जिम्मेदारी है। ये बच्चे हमारे हैं, हम अगर इनका ध्यान नहीं रख सकते तो और कौन रखेगा। तो जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन है, हमारी बेवा औरतें हैं जिनके लिए बुरे हालात में रहती हैं, और हमारे माजूर हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, ये इन सब की हमने जिम्मेदारी लेनी है। ये मैं ये चाहता हूँ, मैं आखिर में सिर्फ आप सबसे जो अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने दिल में रहम पैदा करें। इंसानों के और जानवरों के माशरे में फ़र्क है। जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जानवरों के माशरे में रहम नहीं होता। इंसानों के माशरा होता ही वो है जिसमें इंसाफ होता है और जिसमें रहम होता है, जिसमें आपको फिक्र होती है उस तबके की जो पीछे रह गया है। आज अगर हमने वो इसको फलाई रियासत, जिसके लिए ये एक अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, अगर हमने बनाना है तो हमने उन असूलों पे जाना पड़ेगा जिन असूलों के ऊपर मदीना की रियासत बनाई गई थी। मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, सोचे कोई उन्होंने रोमन एम्पायर से कोई कर्जे मांगे थे या पर्शियन एम्पायर से, या उन्होंने कोई इमदाद मांगी थी? उन्होंने अपने लोगों को खड़ा कर दिया था, उन्होंने इंसानों के ऊपर सारी तवज्जो दी थी, उनकी तालीम पे, उनको इंसाफ देने पे, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने पे। उन्होंने सादिक जो वक्त खलीफा थे या जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारे अरब के ऊपर भी फतह कर दिया तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, उन्होंने महलात नहीं बनाए, सादगी इख्तियार की। तो मैं आज अपनी कौम से, आप सबके सामने कहता हूँ, मैं आपको सादा तरीन ज़िंदगी गुजार के दिखाऊँगा। सिर्फ मुझे जो सिक्योरिटी की वजह से जो मुझे मसले आते हैं उसकी वजह से मुझे ये गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं, मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। आपका पैसा मैं बचाऊंगा और वो सारा अपनी उस 50% निचले तबके के ऊपर खर्च करवाऊंगा। कोई बिजनेस मैं नहीं करूंगा। जब एक हुक्मरान बिजनेस करता है तो वो नुकसान पहुंचाता है मुल्क को। इसलिए जब तक आपकी वजह से मैं इक्तदार में हूं, कोई बिजनेस मैं नहीं करूंगा। कोई किसी किस्म की मैं उन, यानी आप एक अपने ज़हन में एक चीज डाल लें कि जो लोग आपके मुखालिफ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका पैसा चोरी करते हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। मेरा उनसे किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। मेरा सिर्फ मसला ये है कि जो लोग आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, वो आपकी तबाही करते हैं। तो आपने मेरी मदद करनी है अपना पैसे की हिफाजत करने के लिए। कौन सा इंसान है कि जिसके घर में चोरी हो रही हो और वो चुप करके बैठे के नहीं जी, पुलिस खुद ही पकड़ लेगी? आप चोर को पकड़ के करके पुलिस के हवाले कराते हैं। जब मुल्क में करप्शन होती है, आपका पैसा चोरी हो रहा है, आप गरीब हो रहे हैं, आप मकरूज हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको रोकें, आप मेरी मदद करें उनको रोकने के लिए। और इसी तरह जब हमारी हुकूमत कोई भी आपका पैसा, आपका टैक्स का पैसा गलत इस्तेमाल करेगी, आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको बोलना चाहिए, आप हमारे ऊपर चेक रखें, आपको ये, क्योंकि ये आपका पैसा है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपके पैसे की, मैं आपके पैसे की हिफाजत करूं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरी टीम बन के मदद करें मेरी अपने पैसे की हिफाजत करने के लिए। मैं इंशाल्लाह आपको ये सबको इतमाद दिलवाना चाहता हूं। अल्लाह ने हमारे मुल्क को सब कुछ दिया है, इस मुल्क में अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अल्लाह की खास नेमत है, ये पाकिस्तान जो है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, हमने इसको अपना मुल्क समझ कर रहना है। जब सरकार का पैसा चोरी होता है तो हम सब ने मिलकर उसकी हिफाजत करनी है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा, जो मैं आपको अपनी विजन दे देता हूं, मेरी विजन ये है पाकिस्तान की कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं तब जिंदा होऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि वो, अगर हम इस तरफ चल पड़े, हम नेशन बिल्डिंग की तरफ चल पड़े, एक दिन आएगा
कि पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा, और हम इंशाअल्लाह उन मुल्कों की मदद करेंगे जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया, जिधर गरीब लोग हैं, हम वो मुल्क होंगे जो लोगों की मदद किया करेंगे। वो है मेरा आइडिया पाकिस्तान का, मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।